Now, here is another lecture on the vectors, and in this lecture, we will study about the cloning vectors based on the lambda phage. We have so far studied about the vectors and we have studied about the cloning vectors. Now, in this lecture, we will study about the cloning vectors which are based on the lambda phage. <clears throat> now, lambda phage, firstly, we will just study about lambda phage. लेमडा फेज इज सिंपली अ टेम्परेड फेज ये एक टेम्परेट फेज है लेमडा फेज और इसका जो जीनोम होता है इसका जो जीनोम होता है वो जीनोम फोर्टी नाइन केबीज का होता है और ये जो लेमडा फेज है इसके जीनोम का तो साइज फोर्टी नाइन के बीज का है और इसका जीनोम जो होता है वो जीनोम होता है सिंगल लीनियर सिंगल है लीनियर है बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके पास सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और जिसका साइज कितना होता है फोर्टी नाइन के बीज का होता है और ये जो लेमडा फेज है ये इनसाइड द सेल इनसाइड द इकोलाई सेल फॉर तो ये यहां पर मैं बताता चलू जो लेमडा फेज है ये इन्फेक्ट करता है किसको इन्फेक्ट ये करता है ये इन्फेक्ट करता है इकोलाई e. को लमडा फेज इनफेक्ट इकोलाई तो ये e. को इकोलाय कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो इसके अंदर जाके ये रिप्लीकेट हो जाता है इसका जो डीएनए होता है वो रिप्लीकेट हो जाता है बाई टू वे तो जो इसका डीएनए होता है वो रिप्लीकेट हो जाता है इनसाइड द सेल बाई टू वेज तो वो दो वेज कौन से हैं? वो है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक वे लाइटिक एंड लाइसोजेनिक जिसको हम लाइटिक और लाइसोजेनिक पाथवे कहते हैं तो लाइटिक और लाइसोजेनिक पाथवे बेसिकली क्या है ये रिप्लीकेशन पाथवेज है जो जो एक लेमडा फेज का डीएनए इनसाइड द सेल इख्तियार करता है लाइटिक पाथवे एंड लाइसोजेनिक पाथवे ऑफ रिप्लीकेशन अब यहां हम देखेंगे जो इसका लीनियर और सिंगल बट लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसका होता है इसके लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक खास बात होती है कि यहां जो इसके एंड्स होते हैं जो एंड्स होते हैं इसके डीएनए के जो एंड्स होते हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल के जो एंड्स होते हैं वहां एंड्स पर बोथ एंड्स पर अगर इसका डीएनए मॉलिक्यूल है तो बोथ एंड्स पर एक ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच होता है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच बारह न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा मोटा सा हिस्सा होता है स्ट्रेच होता है दोनों साइड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स लीनियर डीएनए जो इसका लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो लीनियर डबल स्टैंडेड डीएनए के दोनों एंड्स पर एक शॉर्ट बारह न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रच होता है जहां पर जो ये बारह न्यूक्लोटाइड का स्ट्रेच जो, जो कहां पर मौजूद होता है जो लोकेट होता है एट द एंड्स, ये एंड्स एट एंड्स ऑफ फेज लेमडाफेजो जो फेज का डीएनए है फेज डीएनए तो फेज के डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए के एंड्स पर एक ट्वेल्व न्यूक्रो स्ट्रेच होता है बारह न्यूक्रोड्स का एक छोटा मोटा सा हिस्सा होता है दोनों तरफ से जहां पर ये जो स्ट्रैंड होता है वो सिंगल बन जाता है तो ये जो एंड्स है वो सिंगल जहाँ पर डीएनए जो होता है वो डीएनए क्या हो जाता है डी एन यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ये अभी तक डबल स्टैंडर्ड था लेकिन ये एंड्स पर जाके सिंगल स्टैंड हो जाता है तो एंड सिंगल स्टैंडर्ड है जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो जीनोम है किसका फेज के उसके जो एंड्स है वो सिंगल स्टैंडर्ड है वहां पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो बीच में क्या है बीच में डबल है और इन सिंगल डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये बारह न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच होता है यहाँ पर और इसको हम कहते हैं कॉस कॉस एंड्स तो इनको हम कॉस एंड्स कहते हैं फेज के डीएनए मॉलिक्यूल में तो कॉस एंड्स आपको आए समझ कॉस एंड्स क्या होते हैं तो कॉस एंड्स सिंपली ये बारह न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रच होती है दोनों ऑन द एट बोथ द एंड्स ऑफ फेज के के दोनों तरफ से दोनों एंड पॉइंट्स पर एक बारह न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रच uh, स्ट्रच होती है जिसमें जहां पर जो डी एन ए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है वहां पर डी एन ए और इनको हम कॉस एंड्स कहते हैं अब ये कॉस एंड इसमें क्यों प्रेजेंट है ये कॉस एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए फेज के लिए अब ये कॉस कॉस एंड एंड जो है ये दो फंक्शन करते हैं फेज के लिए ये दो फंक्शन करते हैं अब क्या क्या फंक्शंस ये करते हैं तो पहली फंक्शन जो कॉस एंड की है वो है कि ये ये इंसर्शन जो होता है जो फेज जब इंसर्ट करता है अपने डीएनए एन ए मालिक्यूल किसमें सेल के अंदर तो जब ये डी एन ए मालिक्यूल जो लीनियर डी एन ए मॉलक्यूल होता है जब ये सेल के अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाता है फिर ये सर्कुलराइज हो जाता है तो वो सर्कुलराइजेशन या वो जीनोम को इंसर्ट करना लीनियर जीनोम को इंसर्ट करना डी एन ए मॉलक्यूल को इंसर्ट करना इन टू द सेल उसके बाद उसकी सर्कुलराइजेशन करना ये कॉस एंड्स की बदौलत ही है तो कॉस एंड्स एलाउ करते हैं ये अलाउ करते हैं लैम्डा फेज के जीनोम को फेज जीनो या लैमडाफेज फेज डीएनए ए मॉलिक्यूल हम लिखेंगे फेज डीएनए मॉलिक्यूल विच इज इन टू गेट अलाउ द लेमडाफेज फेज डीएनए ए मॉलिक्यूल टू गेट सर्क्यूलराइज इनसाइड द सेल जो सर्कुलराइजेशन होती है फेज डीएनए की जो सर्कुलराइजेशन होती है इनसाइड द सेल वो किससे होती है बाय द हेल्प ऑफ द कॉस एंड तो सर्कुलराइजेशन ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल सर्कुलराइजेशन ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल लेमडाफेज डी एन ए मॉलिक्यूल की ये सर्कुलराइजेशन करते हैं और दूसरी फंक्शन है दूसरी फंक्शन इसकी है लाइटिक साइकिल लाइटिक पाथवे में लाइटिक साइकिल या लाइटिक पाथवे हम कहेंगे तो इसमें क्या हो जाता है इसमें जब एक जो फेज होता है जब लम ले, लमडा फिज यहाँ पर एक इनसाइड द सेल जब ये रिप्लिकेट हो जाते हैं लाइटिक साइकिल में तो जब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है लमडा फेज डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल जो इनसाइड द सेल रिप्लिकेट होता है और जब ये रिप्लिकेट होता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्या निकल जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे डी एन निकल जाते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत सारे निकल जाते हैं तो जब बहुत सारे डीएनए निकल निकलते, तो निकलते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकलते हैं सेल से आफ्टर लिस्से ऑफ दैट सेल जब सेल को ब्रेक किया जब सेल ब्रेक हो जाती है उसके बाद जो निकल जाते हैं कौन उसके बाद जो ये ये लार्ज नंबर ऑफ़ डी एन ए मालिक्यूल निकलते हैं जिनको हम वायरॉन्स भी कहते हैं ये जब बाहर निकलते हैं आफ्टर ऑफ द सेल तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ डी एन ए मालिक्यूल होते हैं ये एक लीनियर स्ट्रैंड में हो जाते हैं ये लीनियरली क्या हो जाते हैं अरेंज लीनियरली हुए होते हैं ऑर्गेनाइज लीनियरली हुए होते हैं यहां पर भी ये भी डी एन ए एक इंडिविजुअल डी एन ए मॉलिक्यूल ये भी इंडिविजुअल डी एन ए मालिक्यूल बट ये इंडिविजुअल डी एन ए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एट द कॉस्ट साइड्स दे आर इंडीजुअल डी एन जो होते हैं ये जब निकलते हैं सेल से आफ्टर रिप्लीकेशन आफ्टर वैन दे ब्रेक द सेल आफ्टर ऑफ सेल तो वहाँ सेल के बाद से वहाँ एक लीनियर ऑर्गेनाइजड एक स्ट्रैंड निकल जाता है जिसमें जो डी एन ए मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल डी एन एमडाफे डी एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं एट द कास्ट साइट्स तो साइट्स जो होती हैं ये इन डी एन ए मॉलिक्यूल्स को क्या की होती है इसने इनको एक ही मतलब इनको ज्वाइन किया होता है अब यहाँ से क्या हो जाता है अब यहाँ से इंडिविजुअल डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे निकल जाते हैं तो वो यहाँ पर कॉस साइट करती है तो जब आ जाते एंडोन्यूक्लियसिस एंडोन्यूक्लियसिस कॉस एंड्स या कॉस साइटिस को क्या करती है वो रिकॉग्नाइज करती है और इनको इंडिविजुअल डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है तो यहाँ पर भी एंडोन्यूक्स uh, कट करेगा यहाँ पर भी कट करेगा तो ये बन गए इंडिविजुअल डीएनए मॉलिक्यूल्स तो दूसरी फंक्शन यही है कॉस एंड्स की कॉस एंड्स एक्ट करते हैं एज रिकॉगनाइजेशन साइट्स एट रिकॉग्नाइजेशन साइट्स कब ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स एक्ट करते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंड में निकल जाता है लार्ज नंबर ऑफ डीएनए ने जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में इसको हम कैटानेड भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कैटानेड तो जब कैटेनेट निकल जाता है जब कैटेनेट हो जाता है ये लार्ज नंबर ऑफ लैमडाफी डेने मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के साथ जॉइन हुए होते हैं एट द कॉसेंट्स और ये एक लीनियर सा ये लीनियरली अरेंज होते हैं जिसको हम कैटेनेट बोलते हैं तो जब ये कैटेनेट रिजल्ट इन द जब ये कैटेनेट रिजल्ट हो जाता है तो उसके बाद ये इंडिविजुअल डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे सेपरेट आउट हो जाते हैं बाय एंडोन्यूक्सिस और क्या करते हैं ये कट करते हैं एट द कॉस साइट्स पर तो कॉस साइट बन गई यहां पर रिकॉग्नाइजेशन साइट तो कॉस साइट्स यहां पर एक्ट करते हैं एज रिकॉग्नाइजेशन साइट्स तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट एक्ट करते हैं इट एक्ट एज अ रिकॉग्नाइजेशन साइट ठीक है लाइटिक साइकिल में तो ये तो कॉस एड्स की बात थी अब यहाँ पर देखो दो पाथवे मैंने भी कहे कह थे लाइटिक और लाइसोजेनिक पाथवे अब लाइटिक पाथवे में क्या होता है जो रिप्लीकेशन करता है लेमडाफेज का जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो रिप्लीकेट करता है इन द सेल वो रिप्लीकेट करता है बाय द टू वेज आइदर द लाइटिक पाथवे वो इख्तियार करता है या वो लाइसोजेनिक पाथवे इख्तियार करता है अब लाइटिक पाथवे में होता क्या है अब लाइटिक पाथवे में सिंपल सी बात होती है जो वा, जब वायरल फॉर एग्जाम्पल अब ये लेमडाफेज ने किसको इन्फेक्ट किया सेल को इन्फेक्ट किया तो इन साइड द सेल अब ये क्या हो रहा है ये रिप्लीकेट हो रहा है आ, ये जब रिप्लिकेट हो जाएगा जब लेमडा फेज रिप्लिकेट होता है पहले लेमडा फेज ने इन्फेक्ट किया सेल को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर दिखाऊंगा इन्फेक्टेड इन्फेक्ट सेल पहले पहलेमडा फेज क्या करता है इन्फेक्ट करता है सेल को उसके बाद ये डी एन ए इंसर्ट करता है डी एन ए इंसर्ट करता है तो हो गया इन्फेक्ट सेल उसके बाद जो डी एन ए इसका होता है वो क्या हो जाता है लेमडा फे डी एन ए वो रिप्लिकेट हो जाता है जब ये रिप्लिकेट हो गया तो उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है जो वायरल डी एन ए वायरल डी एन ए यही lambda, जो वायरल डी एन ए वो एक्सप्रेस हो जाता है वायरल डी एन ए का एक्सप्रेशन फुल एक्सप्रेशन आ जाता है और यहाँ पर जब वायरल डी एन ए के वायरल डी एन ए फुली अब एक्सप्रेस हो गए जो वायरल फंक्शन थी वो फुली एक्सप्रेस हो गई जो वायरल डी एन ए होता है और इसके साथ कौन होते हैं और इसके साथ प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स और वायरल डी एन ए क्विकली ये प्रोड्यूस हो जाता है और ये पैकेज हो जाता है इन द वायरस पार्टिकल्स वायरल डी एन ए और वायरल प्रोटीन किसमें पैक होता है गेट्स पैकेज ये पैक होता है इन टू वायरॉन्स वायरस तो ये वायरॉन्स ये वायरॉन्स में पैक होता है इट गेट्स पैकेज इन टू द वायर जिनको हम वायरस पार्टिकल्स भी कहते हैं तो जब ये वायरॉन्स में पैक हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाते हैं उसके बाद ये लेसिस करते हैं सेल का सेल लेसिस सेल लेसिस दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ सेल और ये वायरॉन पार्टिकल्स क्या निकलते हैं ये बाहर निकल जाते हैं तो दिस इज़ कार्ल्ड एज लाइटिक पाथे तो लाइटिक पाथुरी में लैमडा फेज इन्फेक्ट करता है सेल को अपना डीएनए इंसर्ट करता है इंटर द सेल वो डीएनए क्या हो जाता है वो रिप्लिकेट हो जाता है जब वो रिप्लिकेट हो गया तो वहाँ से जो फुल्ली जो वायरल डीएनए वो एक्सप्रेस हो गया जो फंक्शन जो वायरल डी एन एक्सप्रेस हो गई और वायरल डी जो होता है वो प्रोटीन्स के साथ उसके बाद क्विकली क्या हो जाता है क्विकली प्रोड्यूस हो जाता है ये वायरल डी और प्रोटीन्स और ये पैक हो जाते हैं इंटर द जिसको हम वायरस पार्टिकल्स भी कहते हैं तो जो जो ही वायरस पार्टिकल्स में ये क्या हो गया पैकेज पैक हो गया दैट में ये पैक हो गए उसके बाद ये सेल लेसिस करते हैं तो सेल की लेसिस हो जाती है सेल ब्रेक डाउन हो जाती है और ये वायरस पार्टिकल्स जो हैं या वायरॉन्स ये बाहर निकल जाते हैं तो ये लाइटिक पाथवे अब लाइसोजेनिक पाथवे क्या है लाइसोजेनिक पाथवे लाइसोजेनिक तो लाइसोजेनिक पाथवे क्या है लाइसोजेनिक पाथवे में क्या हो जाता है लाइसोजिन पाथवे में जब ये लेमडा फेज इन्फेक्ट करता है एक सेल को तो जब ये अपना डीएनए इसमें इंसर्ट करता है लेमडा फेज डी तो लैमडा फेज डी जब इंसर्ट हो जाता है वो लेमडा फेज डी सेल होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो होस्ट सेल डीएनए होस्ट सेल डीएनए प्लस लैमडा फेज डी ये आपस में मिल जाते हैं लेमडा फेज डीएनए तो होस्ट सेल डीएनए और लेमडा फेज डीएनए ये इंटीग्रेट हो जाते हैं ये आपस में मिल जाते हैं जब ये इंटीग्रेट हो गए आपस में मिल गए उसके बाद रिप्लीकेशन हो जाती है वो रिप्लीकेशन भी टुगेदर रिप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन इनकी हो गई ये इंटीग्रेट हो गए तो इंटीग्रेट जब वो ये हो गए होस्ट डीएनए प्लस लेमडा फेज डीएनए और उसके बाद टुगेदर ये क्या करते हैं रिप्लीकेशन रेप्लीकेशन भी इकट्ठे ही करते हैं तो जब ये रेप्लिकेशन इकट्ठे करते, करते हैं उसके बाद ये जो लेमडा फेज का डी होता है ये एक इनएक्टिव फेज में चला जाता है उसके बाद इनएक्टिव इसके बाद इनएक्टिव रहता है कौन ये लेमडा फेज जो है ये इनएक्टिव रहता है लेमडा फेज डी एन लेमडा फेज डी एन ए स्टेट में रहता है उसके बाद जो ही एनवायरमेंटल कंडीशन या एक्सटर्नल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं जो ही एनवायरमेंटल कंडीशनस <coughs> में चेंज आएगी तो तभी जाके क्या हो जाएगा तभी जाके ये लैम्डा फेज डीएनए एक्टिव हो जाता है तो लैम्डा फेज डीएनए एक्टिव लैम्डा फेज डीएनए जब एक्टिव होता है तो उसके बाद सेल लाइसिस हो जाती है देन इज सेल लाइसिस और वो वायरन बाहर निकल जाते हैं तो ये फर्क है किसमें ये फर्क है लाइसोजेनिक पाथवे और लाइटिक पाथवे -like तो लाइसोजेनिक पाथवे में इंटीग्रेशन हो जाती है रिप्लिकेशन हो जाती है लेमड़ा फिर डी की विद द होस्ट सेल डीएनए और उसके बाद ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है फॉर अ टाइम पीरियड उसके बाद जब एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो जाएंगी चेंज होंगे तब ही लैमडा फिर डी क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ये क्या करता है उसके बाद ही सेल को ये सेल की लेसिस करता है तो लाइटिंग फेज में सीधे सेल की लेसिस पहले ही हो जाती है लेकिन इसमें सेल की लेसिस पहले नहीं होती है इसमें इंटीग्रेशन हो जाती है डीएनए की होस्ट सेल डीएनए और लेमडाफेजी अब यहाँ पर जो ये है हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग तो के लिए इसको क्लोनिंग वैक्टर एक्ट करने के लिए इसमें थोड़ी बहुत क्या थी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी तो प्रॉब्लम्स क्या थी लेमडा फिज एज एज वैक्टर को हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें साइज लिमिटेशन आ रही थी साइज लिमिटेशन तो साइज लिमिटेशन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी फेज को एज वेक्टर यूज करने में तो एज फेज का डीएनए जो है वो फोर्टी नाइन के बीज का होता है और जो कॉजमिड होता है जो और जो नॉट कॉजमिड कौ, एज कैप्सूल और जो कैप्सूल होता है कैप्सूल कितने को एकमुलेट करता है hmm. जो कैप्सूल होता है या जिसको नॉट कैप्सूल इट इज सिंपली कैप्सिड कैप्सिड जो होती है वो कैप्सिड एकट करती है एटलीस्ट फिफ्टी थ्री के बीज का इंसर्ट फिफ्टी थ्री के बीज का uh, मतलब वो डी एन ए इंसर्ट कर पाती है तो इसमें 49 का ही था तो दैट फेज के डीएनए को हमें क्या करना था एड करना था प्लस थ्री के बी थ्री के बी का डीएनए तो वो क्या हो जाता वो फिफ्टी थ्री के बी बन जाता तब जाके ये एक्ट करता है एज ए क्लोनिंग वैक्टर तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम थी तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया बाय डिलीटिंग बाय डिलीटिंग बाय डिलीटिंग नॉन एसेंशियल डीएनए नॉन एसेंशियल डीएनए तो नॉन एसेंशियल डीएनए जो था उसको डिलीट किया गया फ्रॉम लेमडा फ्रॉम लेमडा फेज तो लेमडा फेज के लेमडा फेज डीएनए तो फेज के डीएनए से नॉन एसेंशियल डीएनए को क्या किया गया डिलीट किया गया और जब नॉन एसेंशियल डीएनए जो था लेमडा फेज का जब वो डिलीट किया गया एट लीस्ट फिफ्टीन के बी का पंद्रह के बी का पंद्रह केबी का नॉन एसेंशियल डीएनए डिलीट किया गया फ्रॉम द लेमडाफेज फेज डीएनए और उसके बाद फिफ्टीन तो फिफ्टीन के बी प्लस फिफ्टीन के भी हम इंसर्ट प्लस थ्री के भी हम उसी के साथ ऐड करते तो बन जाता था ये एटीन के भी तो एटीन के भी फिर डीएनए इंसर्ट किया गया ठीक है यहाँ तक एटीन के बी का डीएनए इसमें ये एटीन के बी का इंसर्ट जो बन बन गया यहाँ पर तो वो हम कैप्सिड में इंसर्ट करते हैं फिर तो अब यहां पर जो डिलीट हमने किया है जो नॉन एसेंशियल डीएनए हमने डिलीट किया है तो उसमें क्या थे उसमें बेसिकली फेज के जीनस होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लाइसोजेनिक पाथवे तो जू ही इस वाले डीएनए से ये नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल डीएनए जो फेज uh, के डीएनए से जो नॉन एसेंशियल पार्ट जो रिमूव किया गया तो उसमें जो जीनस थे वो किसके लिए थे लाइसोजेनिक के लिए और इसीलिए इसीलिए अब जब हमने वो रिमूव किए हैं तो अब ये जो लेमड़ा फेज लेमडा फेज है ये कौन सा पाथवे फिर इख्तियार करता है ये फिर डेफिनेटली लाइटिक वाला लाइटिक पाथवे ही इख्तियार करता है <coughs> तो यहां पर जो लाइसोजेनिक uh, पाथवे uh, है वो लाइसोजेनिक क्या हो जाता है के लिए, जो थे, वो of, uh, में था तो नॉन एसेंशियल पार्ट जो लेमड़ाफेज के डीएनए था वो हमने रिमूव कर दिया तो दैट मीनस अब ये लेमड़ाफेज है ये अब खाली लाइटिक पाथवे ही इख्तियार करेगा तो अब जाके इसी इस modification जो फेज के में हो गई तो इसके वजह से दो टाइप्स हो गए किसके? दो 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 हो गए अब इस फेज के के हमने निकले एक तो निकल गया इंसर्शन फेज वैक्टर और दूसरा है रिप्लेसमेंट ले तो अब दो वेक्टर्स निकल गए एक तो निकल गया इंसर्शन लैमडा फेज एनसर्शन इंसर्शन लैमडा वैक्टर और दूसरा निकल गया रिप्लेसमेंट लैमडा वैक्टर तो पहले हम इंसर्शन लैमडा वैक्टर को देखते हैं अब जो इंसर्शन लेमडा वैक्टर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर की तो पहली बात इसमें हम जो लिखने जा रहे हैं तो ये है ये क्या है ये एक सिंपलेस्ट लैम्डा फेज वेक्टर है सिंपलेस्ट लैम्डा फेज वेक्टर ठीक है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली हमने लार्ज नॉन एसेंशियल सेगमेंट जो लैम्डा फेज में था जो नॉन एसेंशियल डीएनए था हमने उसको रिमूव कर दिया है और वहां पर हमने क्या लगा दिया है तो जब लार्ज जो नॉन एसेंशियल डीएनए था जो हमने इसमें लिमिनेट कर दिया तो उसके बदले हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है डीएनए को दैट मीन्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द डीएनए तो इसमें जब हमने ये रिप्लेस किया है जब हमने नॉन एसेंशियल डीएनए एन ए को क्या कियाट लिमने, किया तो वहां पर दो फ्रेगमेंट बन गए तो जब दो फ्रेगमेंट्स बन गए हमने उनको क्या किया तो उसमें फिर इनको लाइगेट किया गया इन दो फ्रेगमेंट्स को लाइगेट किया गया ये एक फ्रेगमेंट था ये दूसरा फ्रेगमेंट था इनको लाइगेट किया गया अब इसमें और चीज होती है इसमें एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट और ये यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट इसी में जो नया डीएनए होता है वो इंसर्ट किया जाता है तो जो नया डीएनए आता है वो इसी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट जो इसमें एक सिंगल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है तो इसी में वो नया डीएनए जो है वो इंसर्ट इसी रिस्ट्रिक्शन साइट में हो जाता है अब जो ये कितना इसमें इंसर्ट हो सकता है इसमें इंसर्ट हो सकता है एफ डीएनएल्व के बी ऑफ डीएनए इसमें इंसर्ट हो सकता है इंसर्शन वेक्टर में <coughs> और जब हमने इसमें इंसर्शन वेक्टर जो एट या ट्वेल्व केबी का इंसर्ट हम करते हैं तो वो क्या करता है वो वो बेसिकली इसमें हमने जो नॉन एसेंशियल पार्ट जो हमने डिलीट किया था तो ये दैट मीन्स ये जो लेमडा फेज है ये कौन सा पाथवे इख्तियार करेगा ये फिर लाइटिक फेज ही लाइटिक पाथवे ही इख्तियार करता है क्योंकि जो इसका जो इसकी रिप्लीकेशन जो इसकी रिप्लीकेशन की पाथवे है वो वो डिपेंड करेगी लाइसोजेनिक पाथवे डिपेंड करेगा नॉन एसेंशियल पार्ट पर तो नॉन एसेंशियल पार्ट हमने इसको रिमूव कर दिया है तो दैट मीन ये फिर क्या करेगा ये लाइटिक uh, ही इख्तियार करेगा तो में बस सिंपल है ये ये क्या है ये एक, uh, है सिंपलेस्ट एक और इसमें एक सिंगल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जिसमें एक नया जो डीएनए है दैट मींस एट ट्वेल्व के बी का न, जो नया डीएनए है वो इंसर्ट हो जाता है और इसका पाथवे पाथवे uh, जो है वो लाइटिक ही बेसिकली वो मोस्टली लाइट की होता है क्योंकि हमने इसमें नॉन एसेंशियल रीजन जो है हमने डिलीट किया होता है ये तो इंसर्शन वेक्टर है अब इंसर्शन insertion... तो यहां पर हम देखेंगे ये ये है इंसर्शन वेक्टर अब इंसर्शन वेक्टर में एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट होती है सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट तो ये सिंगल रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां पर सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट है ये तो इसको हम क्लीव करेंगे बाई इको आर वन से एंडो न्यूक्लियस है इको आर आर ये एंडो न्यूक्लियस है तो जब ये इस ये क्या था ये फोर्टी नाइन केबी का था तो फोर्टी नाइन केबी का जब हमने इसमें नॉन एसेंशियल डी एन ए क्या किया है वो इलिमिनेट कर दिया तो उसके बाद ये कितना बन जाता है ये फोर्टी के बी का हो गया हमने इसमें नाइन के बीज क्या किए एलिमिनेट किए नॉन असेंशियल डीएनए अब यहां से लेकर इसमें हम इंसर्ट करेंगे अब एक न्यू डीएनए तो न्यू डीएनए इसमें कितना आता है न्यू डीएनए इसमें एट टू टी तक आता है एट टू टी न्यू डीएनए तो न्यू डीएनए जब हमने इंसर्ट किया तो ये लगभग कितना बन जाता है ये लगभग फिफ्टी टू फिफ्टी टू के बी का बन जाता है फिफ्टी टू के बी का ये बन गया तो तब ये जाके क्या हो जाता है ये ये तब जाके एक क्लोनिंग वेक्टर बन जाता है जिसको हम इंसर्शन लैमडा वेक्टर कहते हैं अब बात करेंगे हम रिप्लेसमेंट वेक्टर की जो रिप्लेसमेंट वेक्टर है नाउ रिप्लेसमेंट वेक्टर रिप्लेसमेंट लेमडा वेक्टर जो है अब देखो इसमें क्या होता है तो रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है इसमें दो टू आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइड होती है टू आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइड इसमें होती है और इन आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइड के दरमियान एक नॉन एसेंशियल फ्रेगमेंट होता है जिसको हम स्टफर रीजन कहते हैं तो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है ये दो आ, ये दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स, आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइट्स है ये और ये भी किस एंडक्लिस से ये आ, क्लीव होती है बैम एच वन और ये भी बम एच वन से ही क्लीव होती है दो रिस्ट्रिक्शन आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइट्स है और बीच में जो जो कौन सा रीजन है इनका जिसको हम ये नॉन एसेंशियल रीजन है जिसको हम स्टफर रीजन कहते हैं स्टफर रीजन नोन एज स्टफर रीजन अब जब हम इसको क्लीव करते हैं विद द बैम एच वन तो हम रिमूव करते हैं किसको इस नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो होता है इसका जो नॉन एसेंशियल डीएनए पार्ट होता है इसका हम उसको हम उसको क्या करते हैं हम उसको रिमूव करते हैं तो ये जो लेफ्ट आर्म होती है फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेगमेंट होता है ये वाली इस डेने मालिक्यूल में जो ये वाला सेगमेंट होता है ये लगभग ट्वेंटी टू केबी का होता है और ये जो है ये राइट आर्म लगभग एट के बी की होती है और इन दोनों में क्या है आइडेंटिकल रिस्ट्रिक्शन साइड है यहाँ पर और जब हम जो ये स्टफर रीजन होता है ये लगभग अलेवन के बी का होता है और जब हम इसको क्लीव करते हैं तो इसको रिमूव हम करते हैं जब हमने इसको रिमूव किया इस स्टफर रीजन को तो अब इस स्टफर रीजन के बदले हम क्या लाएंगे अब इस स्टफर रीजन के बदले हम एक नया डी एन ए इंसर्ट यहां पर करेंगे तो ये हो गए दो फ्रेगमेंट्स ठीक है ये दो फ्रेगमेंट्स हो गए तो ये हो गया अगर ये दोनों फ्रेगमेंट्स को मिला के ये ट्वेंटी टू केबी क्या है ये एट केबी क्या है तो ये बन जाता है थर्टी केबी थर्टी KB. तो अब इसमें जो बची कुची अभी जो जगह है तो उसमें कितना नया डीएनए आ सकता है इसमें जो इंसर्ट आ सकता है वो तो KB का आ सकता है। तो हमने अब इसमें इंसर्ट लगा दिया ये नया इंसर्ट हमने लगा दिया इसमें न्यू डीएनए तो अब ये इंसर्ट अपू ट्वेंटी थ्री के बीज का इसमें इंसर्ट हो सकता है तो रिप्लेसमेंट वेक्टर में जो इंसर्ट का साइज है वो आप टू तो ट्वेंटी और ये जो हमने रिमूव किया जो central segment हमने lambda genome का जो जो हमने हमने का किया तो उसमें जो genes होते हैं वो वो किसके लिए लिए होते हैं? वो ly lysogenic cycle के लिए होते हैं हैं के लेकिन वो लाइटिक साइकिल के लिए नहीं होते हैं वो खाली लाइसोजेनिक साइकिल के लिए होते हैं जो हमने रिमूव किया है जो हमने non -essential DNA, रिमूव किया है तो इससे क्या हो जाएगा इससे जब हम इसको रिमूव करते हैं वो रिप्लेस करते हैं बाय फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट तो दैट मींस लाइसोजेनी तो ये अब नहीं शो करेगा क्योंकि वो पार्ट तो हमने इसमें काटा है अब ये जो रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर है ये रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर है इसी स्ट्रेटजी के चलते इस लैम्डा वेक्टर ये पॉसिबल कर लेता है कि जो क्लोन जो है जो फॉरेन डीएनए को ये क्लोन करता है तो ये फॉरेन डीएनए अपी थ्री के बी फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सकता है तो इसी स्ट्रेटजी के चलते ये कितने केबी का फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सकता है ट्वेंटी थ्री केबी का फॉरेन डीएनए ये क्लोन कर सकता है और ये वेक्टर जो है ये नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज तो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज के लिए हम ये, इस फैक्टर को रिप्लेसमेंट फैक्टर को क्या कहते हैं यूज करते हैं तो सिंपल सा है रिप्लेसमेंट वैक्टर और जो इंसर्शन इंसर्शन लेमडा वैक्टर और रिप्लेसमेंट लेमडा वैक्टर है तो इनमें यही uh, दो डिफरेंसेज है उसमें हम ए टू ट्वेल्व के बी का uh, जो डीएनए फॉरन डी एन ए हम इंसर्ट कर सकते हैं उसको क्लोन कर सकते हैं वाइल एस इसमें हम अपू ट्वेंटी थ्री के बी का जो फॉरन डी एन ए हम उसको क्लोन कर सकते हैं और ये जो रिप्लेसमेंट uh, वैक्टर है ये जीनोमिक जियोमिक लाइब्रेरीजनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज है उनके लिए ये बेस्ट फैक्टर माना जाता है ठीक है तो ये तो हो गया लेमडा फेज जो लेमडा फेज थे उसके रिप्लेसमेंट वैक्टर जो क्लोनिंग वैक्टर तो लेमडा फे, फेज थे वो रिप्लेसमेंट वैक्टर है और इंसर्शन वैक्टर है ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया